रविवार को पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का शानदार समापन करने वाले हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बयान में कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश संयुक्त ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि श्रीजेश आईओए के नेतृत्व की भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद थे। श्रीजेश ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पेरिस ओलंपिक के बाद वह संन्यास लेंगे। बता दें कि श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 के अंतर से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस मेडल के साथ ही हॉकी टीम ने इतिहास भी रच दिया है। टीम इंडिया की इस जीत में गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने विशेष योगदान दिया है। इस ओलंपिक के शुरू होने से पहले ही गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने घोषणा कर दी थी कि ये उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। अपने इस आखिरी टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। इसी बीच टीम के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को हॉकी टीम ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पीआर श्रीजेश के अनुभव और उनके योगदान को देखते हुए हॉकी इंडिया ने उन्हें जूनियर मेन्स हॉकी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया है। वह 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी है। इसके अलावा उन्होंने शरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में 1 कांस्य पदक भी जीता। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि आईओ अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और मुख्य दल प्रतिनिधि गगन नारंग ने मनु भाकर को समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस